नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। बिहार में कोरोना वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है। इस बीच एक अच्छी खबर आई है कि पिछले 24 घंटों में एक भी पॉजिटिव रिपोर्ट सामने नहीं आई। और इस बीच ये गोपालगंज की तस्वीरें देखिए, वहां पर प्रशासन लॉकडाउन को सख्ती से पालन करवा रहा है। सिवान में भले ही कोरोना पॉजिटिव के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन गोपालगंज जिला प्रशासन ने लॉकडाउन को सख्ती से पालन कर जिले में 3 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आने के बाद इसका संक्रमण बढ़ने नहीं दिया है। और ये खुशखबरी है गोपालगंज के लिए। यही वजह है कि जिले में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कोई इजाफा नहीं हुआ है। इसके अलावा जिन 3 मरीजों को पटना और गोपालगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनकी दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आने के बाद प्रशासन और पीड़ित मरीज के परिजनों ने राहत की सांस ली है। गोपालगंज जिला प्रशासन ने सिवान में कोरोना के लगातार मामले सामने आने के बाद सिवान से सटे अपने सभी सीमा को सील कर दिया। सिवान से आने वाले और जाने वाले को भी रास्ते में बांस बल्ले लगा करके पूर्णतः बंद कर दिया गया, ताकि लोग लॉकडाउन के दौरान एक सीमा से दूसरे सीमा में प्रवेश न कर सके। आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे मीरगंज थाना अध्यक्ष शशि रंजन कुमार, मीरगंज सर्किल इंस्पेक्टर हिमांशु कुमार ने नेतृत्व में पुलिस के जवान और ग्रामीण सिवान में आने वाले रास्तों को बंद कर रहे हैं। वहीं बरौली प्रखंड के माधोपुर पंचायत के सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है। सभी जगहों पर इंसान से लेकर जानवरों तक के आने जाने के लिए भी रास्ता नहीं छोड़ा गया है। डीएम खुद इस मामले में सजगता दिखा रहे हैं, इस मामले को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और गोपालगंज की सीमा से सटे सभी जिलों की सीमा की समीक्षा की जा रही है और जिले में प्रवेश करने वाले सभी रास्तों को बंद करने की मुहिम शुरू कर दी गई है। दरअसल सिवान में 1 साथ 29 मामले सामने आए, जिसमें सबसे ज्यादा मामला रघुनाथपुर प्रखंड का था, जहां एक ही परिवार के 17 लोग कोरोना के संक्रमण की चपेट में है, जबकि अन्य लोग जिले में नौतन, बढ़रिया, दरौली प्रखंडों के हैं। इसी को लेकर नौतन प्रखंड से सटे गोपालगंज के बरौली प्रखंड के 5 जगहों पर सीमा को पूर्णतः सील कर दिया गया है। बरौली बीडीओ संजय कुमार के मुताबिक ये रास्ते तब तक बंद रहेंगे जब तक कोरोना का खतरा टल नहीं जाता है। तो ये गोपालगंज के लिए खुशखबरी है, खास करके उन सभी गांव को, इलाकों को सील कर दिया गया। डीएम खुद निगरानी कर रहे हैं, पुलिस बल तैनात किए गए हैं। आप लाइव सिटी साथ बने रहिए, हम आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रख रहे हैं। और सिवान से जो एक ही परिवार से इतने सारे मरीज मिले, एक ही गांव से इतने सारे मरीज मिले, उसी को लेकर के गोपालगंज प्रशासन की तरफ से ये सख्ती की गई है। गोपालगंज में मरीजों का आंकड़ा नहीं बढ़ा है, कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा नहीं बढ़ा है, उसका कहीं ना कहीं उसके पीछे वजह हो सकती है कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाना। आप लाइव सिटीज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए लाइव सिटीज़ .in पर जाएँ। धन्यवाद।